हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, नगरीय निकाय चुनाव आज पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ, कैसा रहा मतदान और कितने प्रतिशत मतदान फिलहाल अब तक दर्ज किया जा चुका है? देखिए शिवम, पूरे प्रदेश के 151 नगरीय निकायों में मतदान अब संपन्न हो चुका है। रायपुर के 70 वार्डों के लिए करीब 1128 बूथ बनाए गए थे और सभी बूथों में अब मतदान संपन्न हो गया है। 8 से 5 बजे तक का समय मतदान करने का था। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोट करने पहुंचे थे। अभी मैं एक मतदान केंद्र वार्ड क्रमांक 67 भक्त कर्मा माता वार्ड पर हूँ। यहाँ पर अब जो वोटिंग है वो खत्म हो गई। हालांकि जो पहले जो मतदाता वो अंदर गए हुए हैं वोट डालने, वो अब वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा किसी और को अन्य अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। खासा माहौल लोगों में देखा गया था, न सिर्फ महिलाएं बल्कि जो बुजुर्ग, चाहे वो 95 साल के हों चाहे 100 साल के हों, वो पूरे उत्साह के साथ लोकतंत्र पर्व में उन्होंने आहुति दी है। और अभी औसतन खैर देखा जाए तो 55% के आसपास 1:30 बजे तक का जो आंकड़ा है वो निकल कर सामने आया था, लेकिन उसके बाद लगातार मतदान वहाँ पर हुआ, लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बड़ी संख्या में बूथ तक पहुँचे। तो अभी अंतिम आंकड़े आना बाकी है, क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह, वो 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अंतिम आंकड़े उनके द्वारा जारी किए जाएंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कम से कम 85 से 90% जो वोट परसेंटेज है वो निकल कर सामने आ सकता है। मेरे साथ बड़ी संख्या में लोग उनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो रहा है तो उनका क्या मानना है। आप प्रत्याशी हैं इस वार्ड के, कैसा माहौल देखा गया और बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो रहा है तो क्या बदलाव देखे गए? बदलाव तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो महत्व दिया है, और जैसे हमारे पूर्व मंत्री सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने मेरे को यहाँ पार्षद पद प्रत्याशी बनाया और उसी के रूप में मैं मेहनत किया और मेहनत करके जो लोगों की, मतदाताओं की जो रुझान है मेरे प्रति बहुत ही अच्छी रही, और उनके आशीर्वाद से बिल्कुल मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और बिल्कुल ही मैं जीतूंगा। कुछ आम लोग हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, वोट आपने किया है, क्या मुद्दे रहे हैं जिसको सोच कर आपने वोट दिया? मुद्दे यहाँ यही है कि नाली व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और दूसरी चीज हमारे पार्षद महोदय को हम आज तक के अपने देख ही नहीं पाए। जिसको हमने पिछले साल पार्षद बनाया था उनको हम आज तक के देख ही नहीं पाए कि वो किस मोहल्ले में किस गली में रहते हैं। वो बस जिस शेष सैया में रहे हैं उसी शेष सैया में रह गया, उसी तरीके से इस बार भी प्रत्याशी उतारा गया है कि जिस शेष सैया में उनको रखा जाए उसी शेष सैया में रहें, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास रहे और रिमोट कंट्रोल वो चलाते रहें, वो अपना राज चलाते रहें। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर अच्छा है, बैलेट पेपर से चुनाव अच्छे तरीके से हुआ है और बेटर हुआ है, इसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। ये गड़बड़ी कोई आशंका रहती है क्या बैलेट पेपर में? नहीं, गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर का एक शंका था आदमी को कि ईवीएम मशीन से होगा तो बीजेपी पक्ष में जाएगा, लेकिन बैलेट पेपर से अगर ऐसा होता तो विधानसभा का वो नतीजा आप लोग देखे ही हैं, तो वो उसमें भी हो सकता था। तो देखिए शिवम, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार काफी देर बाद बैलेट पेपर से चुनाव नौकरी निकाय का हुआ है। ऐसे में लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि पहले भी वो बैलेट पेपर के जरिए उन्होंने वोट किया है और इसके चलते उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। कई लोगों का भी मानना था कि जो ईवीएम है उसमें कई तरह की गड़बड़ियां निकल कर सामने आती थी, तो जो बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया है एक तरीके से सही फैसला इसमें माना जा सकता है। अक्सर नक्सल क्षेत्रों में चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। हेमंत, इस बार निकाय चुनाव नक्सल क्षेत्रों में कैसा रहा? देखिए पूरे प्रदेश में की बात की जाए तो एक ही चरण में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ,
दंतेवाड़ा, बीजापुर जहां पर नक्सली इलाके हैं वहां पर लगातार घटनाएं होती है, और खासतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि छोटी छोटी घटनाओं को करने की कोशिश वहां पर जो नक्सलियों द्वारा की गई थी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सफलतापूर्वक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बस्तर के, खास करके बस्तर इलाकों में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ था। नगरीय निकाय की बात की जाए तो नगरीय निकाय में भी पूरा सुरक्षा, खासतौर पर बस्तर के इलाकों में वहां पर सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए थे, बाहर से भी फोर्स वहां पर लाए गए थे और उनकी मौजूदगी में वहां पर संपन्न चुनाव हुआ है। एक भी घटना वहां से निकलकर सामने नहीं आई है। और रायपुर की भी बात की जाए, रायपुर में माहौल काफी यहां पर अच्छा रहा, छुटपुट घटना जरूर हुई कई जगहों पर, कई मतदान केंद्रों पर बहस दोनों पक्षों में देखने को मिली, लेकिन आपसी समझौता फिर कुछ देर में हो गया, तो आपसी भाईचारे के साथ ये पूरा जो लोकतंत्र का पर्व है यहाँ के लोगों ने मनाया है। मजदूरी अहमद हमारे साथ मतदान केंद्रों का जायजा लिया, हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाते हैं। बारातियों का स्वागत तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे वोटरों का स्वागत उसी अंदाज में किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि तीन तीन घराती हैं और तीनों घराती तीनों ही पार्टियों के नेता हैं। जो नेता इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, इस वक्त हम 37 नंबर वार्ड में खड़े हैं और ये वो वार्ड है जहाँ पे रितेश मिश्रा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके बीच में कड़ी टक्कर के रूप में देखी जा रही है इस सीट को। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी जो सड़क पर चल रहे हैं, जो तमाम लोग वोट डालने आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल वॉलंटियर्स के रोल में है यहाँ पे और टफ फाइट है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि प्रफुल्ल विश्वकर्मा सीनियर हैं, इसलिए सबको नमस्कार करके प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरी पार्टी है दो पत्ती, वो भी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय है, तो हर कोई अपनी ओर से रिझाने की कोशिश कर रहा है। जानते हैं कि एक वोट बहुत कीमती है क्योंकि फाइट बहुत टफ है, लिहाजा हर तरीके से आवभगत की जा रही है। जब वोटर पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है, हाथ जोड़े जा रहे हैं, पैर पड़ा जा रहा है, और जब बाहर निकल रहे हैं वोट डाल करके तो उनका धन्यवाद अदा किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे तो वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी खुद पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लोग पहुंच गए आशीर्वाद लेने के लिए। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। रायपुर नगर निगम के लिए 70 वार्डों पर वोटिंग जोर शोर से चल रही है और चूंकि इस बार ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है, यानी कि पार्षद अपने मेयर का चुनाव करेंगे, तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों में कुछ लोग हैं जो मेयर पद के दावेदार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात की जाए तो संजय श्रीवास्तव एक बड़ा नाम है जो कि मेयर पद का दावेदार माना जा रहा है। वो इस बार काली माता वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, काली माता वार्ड जिसमें कि तरुण नगर आता है, जिसमें राजीव नगर आता है और जिसमें शक्ति नगर आता है। इन सभी जगहों का मतदान एक ही जगह पे हो रहा है। होली क्रॉस में आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं महिलाओं की, पुरुषों की, और वो अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप लोग वोट देने आ रहे हैं, लंबी लाइन लगना पड़ रहा है, इंतजार लंबा हो रहा है क्या बैलेट की वजह से? मुझे तो अभी 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। हाँ, और अभी भी लगता है कि पीछे वाले को 4 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ वोटर ज्यादा है, 1250 से 1300 वोटर है। अच्छा, जो ईवीएम को हटाया है और बैलेट पेपर लाया है उससे भी स्लो है क्या? बैलेट पेपर के कारण तो स्लो है, मशीन में क्या जल्दी हो जाता है अभी, लेकिन इसके कारण स्लो है। तो आप ये बताइए क्या क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं? वो लोकल मुद्दे हैं सब। लोकल यानी कौन से मुद्दे? लोकल नाली है, रहने का है, सब गंदगी, यही मुद्दे हैं सब। अच्छा, लोकल मुद्दों पे वोट दे रहे हैं या फिर प्रत्याशी के चेहरा देख करके उसकी छवि को? दोनों ही है। दोनों है ना, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, कांटे की टक्कर है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। इस बीच में एक निर्दलीय भी है, हालांकि उसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन फिर भी किसी का समीकरण बिगाड़ा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग मोहल्ले हैं वहाँ पे अलग अलग नेताओं के प्रभाव हैं और वो प्रभाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। तो हम देख रहे थे कि रायपुर के तमाम मतदान केंद्रों में आज मतदान के दौरान क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लगातार रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुआ, हमेशा ईवीएम से मतदान होता था, इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुआ, मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, उन्हें कितना इंतजार करना पड़ा, कोई परेशानी तो नहीं आई इस दौरान?
हाँ देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार बदलाव नजर आया, और वो बदलाव था बैलेट पेपर से चुनाव होना। पहले ईवीएम से चुनाव होता था, अब सरकार ने फैसला लिया कि नगरीय निकाय का चुनाव बैलेट पेपर से किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने तंज कसा कि सरकार लोगों को पीछे ले जाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो तकनीक अभी सामने आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, उसके माध्यम से ना कराकर लोगों को पुराने रवैये में ले जाना एक तरीके से गलत है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था। हालांकि सुबह हमने कुछ मतदाताओं से जरूर चर्चा करनी चाहिए थी, उन्हें साफ तौर पर कहा था कि ठीक है, फैसला इस बार लिया गया है बैलेट पेपर से चुनाव करने का, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। हालांकि अब मैं अगर मतदान केंद्रों की बात करूँ तो थोड़ी परेशानी बूथ क्रमांकों को लेकर हुई थी। जो पर्ची जो मतदान जिससे करना था मतदाताओं को, उस पर्ची में बूथ क्रमांक लिखा था, लेकिन जिस मतदान केंद्र में वो वोट करने पहुंच रहे थे वहां पर कमरा नंबर लिखा था, बूथ क्रमांक नहीं लिखा था, तो इस वजह से भटकना पड़ा था। लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। तो आप बताइए, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, क्या दिखते हैं? यह बैलेट पेपर है वहां तक मैं मान रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको वहां पर, बट क्या होता है हमको वहां पर सील लगाना है। भैया देखो, सबसे बड़ा बात यहाँ पर आ जाता है कि क्या होता है, हमको चार आदमी पसंद है ना, तो भैया हम चारों ला लेबो तो चारों में ठोक दे तो हमार कहाँ हो जाए, हमारे वोट तो खराब हो गए। और वहाँ कहा होता है जैसे उसमें मशीन में रहता है एक्चुअल में, उसमें हम जिसमें पहले में बटन दबाएंगे वही वैलिड रहता है। यहाँ पर क्या होता है, कई जन रहते हैं जिसमें पर जिसमें लोग हैं सबको चाहते हैं, और वहाँ कहा उठे आदमी ना उठी लगा थे तो हम खाता मुकर उठर मतलब है ना, मतलब ये इतना दिन आपके क्या मानना है बैलेट पेपर में चुनाव है, क्या सोचता हुआ? मेरे बैलेट पेपर में चुनाव में वोट खराब होने की ज्यादा स्थिति है। अब मशीन में एक बार दबा दिए, मतलब जिसको डाल क्यों खराब ज्यादा दिक्कत? आप देखिए सुनिए, इसमें ना कभी क्या होता है कि इधर उधर चिन्ह लग सकता है, फुल्ली जो लगा रहे अगर मान लो लाइन पे भी चले गई या फिर फोल्ड उसका ऐसा कर दिए तो दोनों में मतलब वो सही लगेगी तो वो बैलेट पेपर खराब हो सकता है, तो वोट खराब उसी में होता है। और उसमें बटन वाले में जो था अगर एक बार किसी को भी दबा दिए, एक ही जन को वहाँ 10 बार दबाएंगे तो कोई मतलब वो दूसरे को वोट जाना नहीं है और वो खराब होना नहीं है, और बैलेट पेपर में खराब होने की स्थिति ज्यादा है। और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, ये बताइए, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है, आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से भी कोई दिक्कत नहीं बैलेट पेपर से चुनाव, भाई पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होती थी, अभी आया है ये आपका ये बटन सिस्टम, पहले तो बैलेट पेपर से चुनाव होता था क्या? कि पहले होता नहीं था कि चुनाव, कि पहले तो मशीन आ गई थी क्या? आपका क्या बैलेट पेपर बढ़िया है, गड़बड़ी की आशंका है बोल रहे हैं लोग, नहीं कोई गड़बड़ी नहीं। मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों से निकलकर सामने आ रही है, कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं बैलेट पेपर से चुनाव जो हुआ है, आपका क्या मानना है उसको? मेरा मानना यही है कि बैलेट पेपर से चुनाव जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सबके लिए अच्छा है। और डरते उन लोग हैं जिन लोग पहले घपला करते थे बटन दबाने में, जो घपला करने वाले लोग कोई चिंता है, ये कहना है कि बैलेट पेपर से गड़बड़ी हो जाएगी, वो तो लोगों का चिन्ह इधर उधर, जिन लोगों का सोच है गलत वही लोग ऐसा सोच रहे हैं, बाकी लोग नहीं सोच रहे, आम पब्लिक नहीं सोच रही, आम पब्लिक के लिए तो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है। मिली जुली प्रतिक्रिया निकल कर बैलेट पेपर को सामने आ रही है, हालांकि मतदाता में कोई भ्रम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव जरूर हुआ लेकिन उन्हें परेशानी नहीं हुई। हालांकि मतदान केंद्रों में अव्यवस्था के कारण थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन बैलेट पेपर की बात की जाए तो किसी भी मतदाता जो आम मतदाता है उन्होंने ये नहीं कहा कि बैलेट पेपर गलत है, ईवीएम से कुछ चुनाव कराना चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा ठीक है सरकार ने फैसला लिया है बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो इसके माध्यम से भी वोट डाल रहे हैं, और इसमें कोई तरह की परेशानी चाहे फर्जी वोटिंग की बात हो चाहे सुरक्षा का अभाव हो ऐसी कोई चीजें रायपुर से निकलकर सामने नहीं आई है। लगभग 70 वार्डो के अगर आंकड़े बताए जाए और पूरा माहौल बताया जाए तो काफी शांतिप्रिय तरीके से रायपुर में मतदान हुआ है। शिवम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी को साझा करने के लिए। तो 151 निकायों पर आज चुनाव हुआ है, 10 नगर निगम पर सबकी निगाह रहेंगी क्योंकि 15 सालों में एक बात सत्ताहीन होने वाली कांग्रेस के लिए नगर निगमों में जीत एक बड़ी चुनौती हो गई है।
और आगे देखेंगे।